भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के आह्वान पर पूरे प्रदेश में टोल प्लाजा फ्री करने के निर्णय के चलते बड़ी संख्या में किसान टोल प्लाजा पर डटे हुए हैं। इसी कड़ी में करनाल के समीप बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर किसानों द्वारा अनशन किया जा रहा है, जिसके चलते हर रोज 5 किसान भूख हड़ताल पर बैठते हैं। भारतीय किसान यूनियन जिला करनाल के प्रधान सेवा सिंह आर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि जब तक किसानों की मांग नहीं मानी जाती, टोल प्लाजा बिल्कुल फ्री रहेंगे। आज छठे दिन भी वाहनों का आवागमन बिल्कुल फ्री है। इस मौके पर किसानों द्वारा एक मंच लगाकर जनसेवा भी रखी गई, जिसको किसान नेताओं ने संबोधित किया एवं किसानों की मांग पूरा करने का सरकार से आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कर्मचारी संगठन भी किसानों के समर्थन में आ चुके हैं और अगर सरकार उनकी मांग नहीं मानती तो महिलाएं भी बड़ी संख्या में दिल्ली बॉर्डर की ओर कूच करेंगी। यहां हम आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के आह्वान पर प्रदेश भर में 3 दिन के लिए टोल टैक्स ना देने का आह्वान किया गया था, परंतु बाद में किसान नेताओं के आह्वान पर टोल प्लाजा को अनिश्चित काल के लिए फ्री करने का आह्वान किया गया। वहीं किसानों की सहायता के लिए विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक संगठन आकर समर्थन कर रहे हैं एवं उनकी खाने पीने की व्यवस्था का भी प्रबंध कर रहे हैं। बताते चले कि किसान यहां शांतिपूर्वक तरीके से टोल प्लाजा पर अनशन में शामिल हैं। इतनी ठंड के चलते किसानों का जोश देखते बनता है और अपने अधिकार के लिए लड़ाई को निरंतर जारी रखे हुए हैं। देखिए समाचार एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट। तो किसान भी उस रवैये के हिसाब से ही चलेंगे। यदि किसानों को बहकाया जाता रहा, उसमें कोई बात का निर्णय नहीं लिया या यही कहा जाता बहुत है ठीक है अच्छे हैं ऐसे सुझाव बनाते रहे, बहुत ही अच्छे विचार नहीं बन पाए। नहीं उम्मीद रखते हैं सरकार से कि सरकार हमारी बात मानेगी, इन कानूनों को वापस ले लेगी ठीक है। और लेने के बाद किसानों के भला होगा और भी भला होगा और सरकार अच्छी का बात समझाएंगे, अच्छी बात सरकार इतना लंबा इसको फेंकेगी सरकार का उतना ज्यादा बहुत बढ़िया सरकार उतना लोगों में नाराजगी बढ़ी। इसको ये ना सोचे कि ये हम इसको भड़का देंगे या आपस में एक मुसलमान हिंदू नहीं, ये किसान की बात है। हम सब अमीर किसान हो या लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार बातचीत से इसका समाधान निकाल दे। अगर समाधान नहीं निकलता तो आगे चलता रहेगा आंदोलन, शांतिपूर्ण तरीके से हम बैठे हैं। तो कहने की सरकार महीनों से चल रहा प्रदर्शन, सरकार भी परेशान है, किसानों के लिए भी कहीं ना कहीं ठंड है, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसान भी चाहते हैं कि फैसला हो, किसान भी चाहते हैं फैसला हो और सरकार भी नहीं चाहती फैसला। लंबा किया जाएगा वो किसानों की बात को नहीं ले रही, वो ये राजनीतिक पार्टी निशाना बना रही है, वो अपना निशाना साध रही है किसानों। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.